देश का मूड बदल रहा है, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनकी सरकार पे पिछले 10 साल से जनता भरोसा दिखा रही है, आगे भी भरोसा दिखाएगी। और कर्नाटक में जो हो तो लोकतंत्र है, हार जीत लगी रहती है, एक राज्य हारे हैं बाकी राज्य जीत जाएंगे, और 2024 में भी श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हमें उनके नेतृत्व पे पूरा भरोसा है कि देश को ऐसा ही नेतृत्व, कर्नाटक से देश का भविष्य तय हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यार ये एक चावल देख के पका है उससे पूरा अंदाजा लगता है कि पूरा पका है। जब पूरी ताकत लगा दी, बजरंग बली का नाम ले लिया, टीपू सुल्तान को विलेन तक बना दिया, और कोई काम ऐसा था जो छोड़ा नहीं, उसके बावजूद अगर हार हुई है तो ये ना माना जाए कि नरेंद्र मोदी का करिश्मा, नरेंद्र मोदी का जलवा कुछ कम हो रहा है। चावल वाला उदाहरण यहाँ पर नहीं दिया जा सकता कि चावल का एक दाना देखकर पूरा चावल बना है कि नहीं, ये बता केवल एक राज्य से पूरे देश का मूड नहीं बताया बनाया जा सकता। और रही बात भाजपा की कि मुस्लिम कार्ड हिंदू कार्ड खेला, ऐसा नहीं है। भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास, वो किसी एक धर्म को प्रश्रय देते हैं, किसी और का विरोध करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात तो सही है। बजरंग बली का नारा लगाते हैं तो क्या है? बजरंग बली धार्मिक नारा थोड़ी, मतलब बजरंग बली सांप्रदायिक नारा थोड़ी है, वो तो एक आराधना का विषय है। जय बजरंग बली, बजरंग दली एक ही है। जय सिया राम, जय श्री राम, जय बजरंग बली, अल्लाह अकबर धार्मिक नारे हैं, कोई सियासी नारे नहीं है। कोई भी हिंदू है, गजब बेइज्जती है। सिया राम तो ठीक है, जय सिया राम भी ठीक है, ये जय श्री राम जब आप कहते हो तो इसमें आक्रामकता नजर आती है, नहीं आती? आपकी प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं प्रभु जी, श्री का मतलब ही लक्ष्मी होता है, सीता मैया होती है, हर श्री का मतलब नारी शक्ति से ही होता है। जय श्री राम ये नारा 1990 के बाद आया, अभिवादन हो रहा, उसके पहले कोई नहीं कहता था। श्री नारायण कब से है? श्री नारायण, श्री नारायण तो बहुत पुराना है। जली ना, तेरी भी जली ना। श्री नारायण, अच्छा बताइए आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है और मैं गो सेवक हूं। मेरे तो लग गए, उल्टा हो गया मामला पूरा। मोहम्मद फैज खान सुन के आप सोच रहे हैं भाई ये तो मैं निष्पक्ष बात करता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ पर मैं निष्पक्ष बात करता हूँ।